दर्शिता। कोर्ट से गैंग ने इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया गांधी को। हाथ में गीता लिए हुए एक वकील पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग में अनशन में बैठ गया गांधी। भगत सिंह के फांसी के समय गांधी की मौनता से जन्म हुई गांधी विरोधी हवा। गांधी विरोधी हवा ने कोर्ट से गैंग को भी छुआ। खिलाफत आंदोलन के समय गांधी के द्वारा किया गया मुस्लिम लीग के समर्थन ने हिंदुओं का धर्मांतरण, जो हिंदुओं के मन में पैदा हुआ डर और बढ़ाने लगा। अनिच्छा जताते हुए भी वो देश विभाजन को रोकने में असमर्थ रहे और उससे भारत भूखंड में हिंदुओं के भविष्य को लेके हिंदू संगठन और शंकित हो उठा। हिंदुओं को प्रथम वर्गीय नागरिक और बाकियों को द्वितीय और तृतीय वर्गीय नागरिक सजा के विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र बनाने का गौरव रखने वाला हिंदू संगठन गुस्से के आग में चलने लगा। पहले अग्रणी बाद में हिंदू राष्ट्र नाम के अखबार का संपादक दसवीं अनुतीर्ण होके भी अंग्रेजी में तक गीता से अनुप्राणित हिंदुत्व के सेवा में उत्सर्ग उच्च वर्ण ब्राह्मण नाथूराम विनायक घोष से गुस्से से बौखला उठा। आजादी के 5 महीने बाद कई दफा कोशिशों के अंत में 1948 को 30 जनवरी शाम 5:10 में दिल्ली के बिरला हाउस मैदान में सबके सामने बैरेटा 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल के 3 गोली से नतमस्तक प्रणाम करते हुए जातीय पिता के नाम से प्रख्यात लंदन से बैरिस्टर अहिंसा के पथगामी मोहनदास करमचंद गांधी को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। अखंड भारत अमर है। अड़तालीस के 30 जनवरी के बाद पहली बार विश्व के नजर में आए कि हिंदू महासभा को छोड़कर एक और हिंदू संगठन है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वे मानते हैं कि यह वध है, राम ने जैसे रावण का वध किया था, श्री कृष्ण ने जैसे कंस का वध किया था, धर्म के संकट में अर्जुन ने जैसे अधर्मियों का वध किया था, ठीक ऐसे ही हमारे वध काव्य में संयोजित हुई एक और जीवंत कहानी। वे मानते हैं कि गांधी ने मरते समय कोई हे राम वे राम नहीं कहा था। 9mm बेरेटा ऑटोमेटिक पिस्टल की 3 गोलियों में से 2 गोली गांधी के सीने पार करके जाने के बाद 2 गोली, 1 गोली उनके शरीर में रह जाने के बाद वो कोई शब्द बोलने के लायक नहीं थे। इस घटना के बाद उसी शाम को आरएसएस कार्यालय में मिठाई बांटकर विजय उल्लास मनाया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस को निषिद्ध घोषणा की थी, लेकिन 1949 में ये घोषणा वापस ली गई। तदनंतर भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने आरएसएस को निषिद्ध घोषणा की थी। देसी पूंजीपतियों द्वारा समर्थित पहला राजनीतिक नेता था महात्मा गांधी। धर्मनिरपेक्षता की धारणा को उन्होंने सर्वधर्मपेक्षता से विकृत किया था। समय ने उन्हें भी क्षमा नहीं किया।
एक गाल पे थप्पड़ पड़ने के बाद दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देने वाले को हिंसक होके बुलेट से हत्या कर दी गई। हिंदुओं के इतिहास में इससे बड़ी हास्यास्पद घटना और क्या हो सकती है? एक महान हिंदू बनने के लिए दूसरा महान हिंदू को गोली से उड़ा दिया गया। यह है दक्षिण एशिया भूखंड में रहने वाले प्राचीन सभ्यता से सभ्य एक जनसमस्त का समकालीन विरोधाभास। Yeah.